चलो अब नाउन की डेफिनेशन बताओ। द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। राम बुक्स जयपुर एक्सेप्ट। वेरी गुड, आज का होमवर्क डन। होमवर्क हो गया? हाँ मम्मी, अब मैं कार्टून देखने जाऊँ? नहीं, पहले बैग में सारे बुक रखो और फिर दूध पियो, उसके बाद कार्टून देखना। अच्छा ज्योति, मैंने गैस में ना दूध चढ़ाया हुआ है, तुम उसे देख लेना, तब तक मैं माँ जी को दूध दे के आती हूँ। हाँ भाभी, मुझे भी तो पढ़ाई करना होता है ना, मुझे टाइम ही कहाँ मिलता है, एक घंटे बिट्टू की पढ़ाई में निकल जाता है। अब मैं पढ़ाई करूं या फिर दूध देखूं, आप ही देख लेना ना प्लीज। चलो ठीक है, तुम पढ़ाई कर लो, मैं देख लूंगी। ये लीजिए माँ जी दूध। अच्छा नेहा, वो बिजली के बिल की लास्ट डेट है कल, और वो दूध वाले और केबल वाले का पैसा भी देना है। ठीक है, मैं आपको सुबह देती हूँ। ठीक है। अच्छा अजय ने खाना खाया? कहाँ माँ जी, वो तो अभी भी पी रहे हैं, अब तो ये रोज का हो गया है। जब से इसका ये बिजनेस डूबा है ना, तब से सदमे में आ गया बेचारा। एक तो कारोबार का गम, ऊपर से इसके शराब की लत। भगवान जाने क्या होगा इसका, कैसे समझाऊं मैं। अच्छा सुन, सोने से पहले अच्छे से दरवाजे और खिड़कियां चेक कर लेना, आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं शहर में। वो कल अनीता के यहाँ सुबह ही सुबह चोरी हो गई। मिया पानी ले आना। हे भगवान मेरे, कहाँ रह गई, लगता है कुएं से पानी भरने की है। निया कहाँ रह गई तू, कब से पानी मांग रहा हूँ। अरे वो माँ जी को दूध देने गई थी, और तुम रात भर शराब ही पीते रहोगे या खाना भी खाओगे? जब भूख लगेगी ना खा लूंगा, ठीक है जा। समझा कर यार, मैं क्लास बंक नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं कॉलेज ओवर होने के बाद ही मिलूंगी। ओके अच्छा ठीक है, कॉलेज के बाद आ जाना, लेकिन थोड़ा टाइम से पहुंच जाना प्लीज। ठीक है बाबा, पहुंच जाऊंगी। चल बाय, कल मिलते हैं। बाय। और हाँ, हैप्पी बर्थडे अगेन। थैंक यू सो मच, लव यू। लव यू टू। बिट्टू अपना पूरा लंच खत्म करना। और हाँ, आपकी टीचर का कॉल आया था फिर से, बोल रही थी आप बहुत झगड़े करने लगे हो। वो तो मुझे बच्चे चिढ़ाते हैं, इसलिए गुस्सा आ जाता है। नहीं बेटा नहीं, गुस्सा नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे हो ना। अच्छा चलो, आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे वरना। बाय बाय। बाय 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 बाय। अब वो 500 रुपए चाहिए थे। आज तुम फिर दारू पियोगे? अच्छा तुमने अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपनी हालत देखी है तुमने, माना कि तुम्हारा कारोबार ठप हो गया है, लाखों का नुकसान हो गया है, पर शराब पीना, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ करो, कुछ सोचो, कुछ नहीं तो नौकरी ही कर लो। पैसे मांगे थे तुमसे, तुम तो ज्ञान देने लगी, और अगर मेरी इतनी फिक्र है तो फिर जब मैंने बोला था अपने बाप से 5 लाख रुपए मांगने के लिए मेरे बिजनेस का, तब मुंह बंद क्यों हो गया तुम्हारा? मेरे पापा के पास पैसे नहीं है। बुड्ढे के पास क्या है क्या नहीं है सबको पता है, बस मुझे नहीं देना उन्हें। ये पैसे रखो, तुम तो कुछ नहीं समझ सकते। एक बार मेरा बिजनेस चालू हो जाए
दिखाता हूँ सबको। माँ मुझे वो 5,000 रुपए चाहिए। 5,000? क्यों? वो मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन की है ना, नेक्स्ट मंथ एग्जाम है मेरा, इसलिए। मैं कहाँ से लेके आऊँ 5,000? तो भी ना बिल्कुल। माँ जी ये लीजिए 10,000 रुपए और बिजली ग्रोसरी सबका बिल दे दीजिएगा। ठीक है। अच्छा नेहा जी, 5,000 और चाहिए थे। क्यों? वो ज्योति के एग्जाम है ना अगले महीने से, तो उसने एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करी है, उसी की फीस देनी है। माँ जी मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, और जो थोड़े बहुत पैसे है वो इमरजेंसी के लिए रखे हैं। देख नेहा, अगर मना करना है तो साफ साफ बोल दे, ये फालतू में इधर उधर की बातें मत बना। माँ जी मैं इधर उधर की बातें नहीं बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, अगले महीने ले लीजिएगा। नहीं माँ, मुझे आज ही पैसे चाहिए, आज लास्ट डेट है फीस जमा करने की। अरे नेहा क्यों इतना कहलवा रही है, दे देना, 5,000 की तो बात है। अरे माँ जी आप क्यों नहीं समझ रही है? हाँ हाँ समझ गई मैं। अरे हमारे तो नसीब ही खराब है, वरना क्यों हाथ मिलाते किसी के सामने। एक तो कारोबार डूब गया, आज कुछ कमा नहीं रहा है, तुझे अपना समझते हैं तो तुझसे मांग लेते हैं। पर आज तूने भी बता दिया कि अपना अपना होता है गैर गैर। अगर तेरी जगह आज अजय कमा रहा होता तो इतना कहने की जरूरत पड़ती? इस बुढ़ापे में और क्या दिन दिखाएगा इस बुढ़िया को। ठीक है माँ जी, रुकिए मैं देती हूँ। ये लो। और हाँ माँ जी, बेटा नहीं कमा रहा है इस बात का गम मुझे भी है, तो उससे बोलिए कि अपने गम से बाहर आए और कुछ कमाए जिससे मुझे भी अच्छा लगे। अब खुश? थैंक यू माँ। हाँ जा, घर का खर्चा कैसे चलाते इन लोगों को क्या पता। आ रह गई यार। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेबी। आ रह गई थी पता, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारा गिफ्ट लेने में टाइम लग गया था। ऐसा क्या ले रही थी यार? ये तुम खुद ही देख लेना। थैंक यू सो मच। अरे नेहा क्या हुआ, आज भी ऑटो नहीं मिला जो पैदल जा रही हो? अरे नहीं मैं बस ऑटो का ही वेट कर रही थी, तो मैं सोचा कि पैदल ही चल चलती हूँ, वैसे भी ज्यादा दूर नहीं है। अरे आओ मैं छोड़ देता हूँ, आ जाओ। देख रहा है अजय घूम के आ रही है महारानी जी। ये सुमित के साथ कहाँ घूम के आ रही हो तुम? हाँ ऑटो नहीं मिल रही थी इसीलिए उसने ड्रॉप कर दिया, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? बात है इसीलिए बोल रहे हैं, तुझे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन हमें तो पड़ता है, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि हमारे घर की बहू किसी गैर मर्द के साथ घूम रही है, बदनामी नहीं होगी? अच्छा मेरी नौकरी करने से आपकी बदनामी नहीं होती है, लेकिन मुझे किसी ने ड्रॉप कर दिया तो आपकी बदनामी हो गई। नेहा ये क्या तरीका है वहां से बात करने की? तुम तो चुप ही रहो। हाँ अजय तू तो चुप ही रह, कुछ मत बोल। तेरी बीबी सरकारी नौकरी करती है ना, मनमानी तो करेगी, तो कुछ करता है नहीं। अब वो चाहे किसी के साथ घूमे या गुलछर्रे उड़ाए तो कर ही क्या सकता है। अच्छा मैं गुलछर्रे उड़ाती हूँ? कभी अपनी बेटी से पूछा है कि वो क्या करती है कॉलेज जाने के बहाने?
दरअसल वो गुलछर्रे उड़ा रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो सुबह एक्स्ट्रा क्लास के लिए पैसे लेके गई थी, उन्हीं पैसों से अपने बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदा उसने। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हे भगवान, अब मेरी बेटी भी इल्जाम लगा रही है, अपनी गलती छुपाने के लिए ज्योति को बदनाम कर रही है। अरे शर्म कर ले, शर्म। लो लो आ गई, पूछो कहां से आई है ये। कहां से आई हूँ मतलब, कॉलेज से आ रही हूँ, और कहां से। झूठ मत बोल ज्योति, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से उस रेस्टोरेंट में उस लड़के के साथ। ज्योति नेहा जो बोल रही है वो सच है। भैया वो तो बस मेरा दोस्त है, और आज उसका बर्थडे था तो बस उसे बर्थडे विश करने गई थी, और भाभी की तो आदत है राई का पहाड़ बनाने की। अच्छा, मैं राई का पहाड़ बना रही हूँ और तू जो चिपक चिपक के बातें कर रही थी उससे और गिफ्ट दिया उसे। सच बोल, जो सुबह एक्स्ट्रा क्लास के लिए पैसे लेके गई थी उन्हीं पैसों से खरीद के दिया था ना गिफ्ट। और जब पैसे मांगने होते हैं तो बड़े प्यार से आ जाते हैं, और काम के लिए बोल दो तो भाभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। यही पढ़ाई कर रही थी तुम, देख रहा है अजय तू कैसे अपने पैसों का रौब झाड़ रही है। हाँ झाड़ूंगी मैं पैसों का रौब, क्योंकि मैं कमा के लाती हूँ, मेरी कमाई से चलता है ये घर। खर्चे फालतू के नहीं करने होंगे, और हाँ जिसे भी गिफ्ट खरीद के देना है वो खुद कमाए और खुद दे। नेहा, हद पार कर रही हो तुम। हद तो तुम लोगों ने पार की है, कमाओ भी मैं, घर का खर्चा भी मैं चलाऊं, और नौकरों की तरह पूरे घर का काम मैं करूं, तब भी तुम लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है। अब और नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं, अब तुम सब अपना अपना काम करो, मैं इस घर का सारा काम नहीं करने वाली हूं। अरे बिट्टू तुम क्यों रो रहे हो। वो बुआ ने मुझे डांटा, मैं उनके पास होमवर्क करने के लिए गया तो उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया और कहा खुद कर अपना होमवर्क। अच्छा अच्छे बच्चे रोते नहीं, ओके चलो मैं तुम्हारा होमवर्क कराती हूँ। हाँ 60 प्लस दी, चलो लेट हो जाओगे। यहाँ मुझे 500 रुपए चाहिए। बिट्टू तुम आगे चलो, मैं आती हूँ। मेरे पास तुम्हारी दारू के लिए पैसे नहीं है। देखो बकवास मत करो, चुपचाप मुझे 500 रुपए दो। नहीं है मेरे पास, पैसे चाहिए। छोड़ दो। और अगर इतना ही रौब झाड़ना है तुम्हें तो पहले जाओ पैसे कमाओ फिर रौब झाड़ना मुझ पर। ये ले, आ ले। क्या माँ पूरी ब्रेड जला दी है, अच्छे से सेका करो ना। जो बना है चुपचाप खा ले, वरना खुद ही जाके बना ले, तेरे हाथ नहीं पकड़े हैं किसी। और वैसे जा कहाँ रही है तू सुबह सुबह, तेरे तो कॉलेज की छुट्टी है ना। अरे वो नीतू के घर जा रही थी, कुछ नोट्स लेने थे मुझे। नहीं कहीं नहीं जाएगी तू जब तक कॉलेज बंद है, चुपचाप घर पे रह के पढ़ाई कर जा। आज जरूरी है, रोज ही जरूरी है। चलो बिट्टू, देख रही है कैसे महारानी बन के जा रही है, सुबह से एक कप चाय तो बना के दी नहीं है। और तू भी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरी भी नौकरी लगेगी ना तो ऐसी पूरे राज करेगी घर पर, समझी। हाँ माँ समझ रही हूँ। हेलो यार, कहाँ है तू, कब से वेट कर रहा हूँ तेरा, आ क्यों नहीं रही। नहीं यार मैं नहीं आ पाऊंगी, माँ ने ऑन टाइम पे मना कर दिया। क्यों क्या हुआ। वो कल भाभी ने साथ में देख लिया था हमें, तो बस उसी बात को लेके हंगामा बना दिया घर पे। अब जब तक कॉलेज बंद रहेगा मुझे घर पे रहना पड़ेगा। यार समझा अपनी भाभी को अपनी स्टाइल में, तो कॉलेज में तो बहुत टेंशन दिखाती है, थोड़ा अपनी भाभी को भी दिखा ले। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं दिखा सकती ना।
अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, बाय। अरे रुक, तुम मेरी बात सुन। हाँ भैया। आप तो थी, वो कुछ पैसे है क्या? मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे, एक बार आप माँ से पूछ लो। माँ के पास भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। मैं बस अभी फ्री हुई हूँ ऑफिस से, ऑटो का वेट कर रही हूँ, पहुंच जाऊंगी थोड़ी देर में ही घर। कह रही है कि ऑफिस से निकल गई है, ऑटो के लिए वेट कर रही है। घर छोड़ देते? नहीं नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। रात होने वाली है, अगर ऑटो नहीं मिला तो रात को अकेली जाओगी, और वो भी पैदल? वैसे भी यहाँ जल्दी से ऑटो मिलता नहीं है। आओ बेटा छोड़ देता हूँ। मुझे तो लगता है झूठ बोल रही है नेहा, वरना इतने टाइम तक ऑफिस चलता है क्या? क्यों ज्योति? अरे माँ, जरूर उस सुमित के साथ घूम रही हूँ। ऐसे भैया एक बात कहूँ, आपने ना भाभी को बहुत छूट दे रखी है। चलो माना कि उनकी कमाई पे घर चलता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अपनी मनमानी करेंगी। क्यों माँ? भाई लो, मैंने कहा था ना उसी सुमित के साथ हूँ, खुद ही देख लो आप, उसी के साथ आ रही है। चल चल। क्या कहा थी तू? हाँ कुछ कहता नहीं हो, इसका मतलब ये है क्या कि रात भर घूमती रहेगी? वो जब मेरी मीटिंग चल रही थी ऑफिस में, इसलिए लेट हो गई। क्या हंगामा कर रहे हो तुम? मीटिंग में थी या किसी के साथ घूम रही थी? अरे अजय तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तू चुप कर, तुझे तो बहुत मजा आता होगा ना मेरे बीवी के साथ मटर कस्ती करते हुए। घटिया आदमी हो तुम, अपनी बीवी के लिए ऐसा बकवास। ए चुप निकल यहां से, ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं कह रहा हूं तुझे। अजय छोड़ो इसे, मैंने कहा छोड़ो। सुमित तुम जाओ यहां से, चल जा। बहुत मजा आ रहा है ना इसके साथ आशिकी करने में। आशिकी का भूत सवार है तुझे? वसा जय, बहुत लांछन लगा लिया तुमने मुझ पर, बहुत कुछ सुन लिया मैंने और बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया। हर बार तुमने मेरे ऊपर उंगली उठाई है। अगर तुम लोग को इतनी ही प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं रहूंगी मैं इस घर में, चली जाती हूँ मैं। अरे अजय ये क्या किया तूने? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अब जा रोक उसे, वरना वो घर छोड़कर चली जाएगी। जा, फालतू का इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। सोच, अरे अगर वही घर छोड़कर चले गई तो ये घर कैसे चलेगा? तू तो कुछ कमाता है नहीं, एक वही है जो कमा रही है। अगर वही घर छोड़कर चले गई तो कैसे गुजारा होगा हम सबका? इसीलिए बोल रही हूँ थोड़ा दिमाग से काम ले और जा रोक ले उसे। या माँ सही कह रही है, जाओ जल्दी यार। और सुन, हो सके तो माफी भी मांग लेना। जा, देख क्या रह जा। निया, निया, देखो मत जाओ प्लीज। मैं बहक गया था, तुम्हें वो सुमित के साथ देखा तो मुझे गुस्सा आ गया, मुझे समझ में ही नहीं आया मैं क्या कर रहा था, तो ये सब ड्रामा हो गया। देखो तुम तो जानती हो मैं ऐसा ही हूं, तुम समझो प्लीज मत जाओ। हाँ तुम तो समझदार हो ना,
तुम मत जाओ प्लीज। आज तक मैं सब कुछ सहती आई हूँ, माँ जी के ताने, ज्योति की बातें, तुम्हारी डांट, सब कुछ। तुम सारा सारा दिन शराब के नशे में रहते थे, पर फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना शादी से पहले किया करती थी। पर तुमने सब खत्म कर दिया, सब कुछ। मेरे चरित्र पर उंगली उठाई तुमने। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि किसी और के साथ मेरा जी। और अब जब भरोसा ही नहीं है, मेरा यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं, चली जाती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। तुम बैग रखो, तुम प्लीज बैग रखो, प्लीज 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 बैग रखो। इस शराब के नशे में ना मैं बर्बाद हो गया। प्लीज देखो, मैं ना ये शराब एकदम से छोड़ दूंगा, कसम से। तुम कह रही थी ना कि बाहर जाओ, जाके नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते। मैं जाऊंगा कल से ना, तैयार वैयार होके मैं नौकरी ढूंढने जाऊंगा। तुम छोड़ के मत जाओ मुझे प्लीज। तो अगर छोड़ के चली गई तो मैं इस शराब के नशे से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। प्यार की खातिर मत जाओ, प्यार की खातिर मत जाओ। बिट्टू बैग में बुक रख ली है? हाँ मम्मी। बिट्टी को आज स्कूल मैं ड्रॉप कर दूंगा। बिट्टू मेरे साथ चलोगे ना स्कूल? हाँ। yeah! अच्छा सुनो, आज अच्छे लग रहा हूँ। दुआ करो जॉब मिल जाए। जरूर मिलेगी, जॉब अंदर लेट हो जाओ। बिट्टू चले, लेट्स गो। फिर से खराब हो गया क्या? एक तो ये केबल वाला पैसे लेने आ जाएगा, लेकिन ये देखने नहीं आता कि टीवी चल रही है या नहीं। माँ, क्या है? वो केबल वाले का नंबर दो ना, टीवी नहीं चल रही है, कंप्लेन करना था। अब चलेगी भी नहीं। क्यों? नेहा ने कनेक्शन कटवा दिया है। ए रहा मेरे। माँ, इस भाभी का ना कुछ करना पड़ेगा, मैं सच बता रही हूँ, वरना ये हम सबकी जिंदगी नरक बना देगी। कुछ नहीं कर सकते जब तक ये अजय कमाना शुरू नहीं कर देता। गया तो है वैसे तो, आज नौकरी ढूंढने। पता नहीं भगवान ही मालिक है उसका, क्या करके आता है। नेहा, अरे नेहा, अरे बात तो सुनो, कहाँ चली जा रही है तुम? क्या हुआ, मूड ऑफ है? देखो सुमित, हमारी दोस्ती बस ऑफिस तक ही रहना तो ही अच्छा है। ऑफिस के बाहर ना मैं तुम्हें जानती हूँ और ना तुम मुझे। अच्छा, तो मजे की बात को अब तक दिल से लगाए बैठी तो उसने नशे में कुछ भी कह दिया क्या? तुम भी अच्छा भूल जाओ उस दिन जो भी हुआ। नहीं सुमित, अजय ने जो भी किया सही किया। कोई भी आदमी अपनी बीबी को दूसरे मर्द के साथ नहीं देख सकता। गलती मेरी थी और ये गलती मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहती। इसीलिए आज के बाद ना मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है और ना ही लिफ्ट की। चलो अच्छे से पढ़ो। ओके, 9 4 36 9 5 45। जॉब मिली आपको? सबको एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। पता नहीं कभी जॉब मिलेगी भी कि नहीं।
क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी आपको जॉब। अच्छा आप अभी फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? जोर से पढ़ो। 9 1 9 9 2 8 9 3 27 9 4 36। मेरी बात सुनो, देखो मुझे शराब की बहुत तलब मच रही है। देखो मैंने कहा है कि मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ भी रहा हूं, इतने सालों से पी रहा हूं, टाइम तो लगेगा ना। शराब के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं तलब मिटाने के लिए। अनीता के यहाँ सुंदरकांड का पाठ है, तू चलेगी? नहीं माँ आप ही जाओ, मेरे को पढ़ाई करनी है। ठीक है मैं ही चली जाऊंगी। अच्छा एक गिलास दूध बना के दे दे, पहले बर्तन पोछ के रख दो फिर दे दूं। अरे आप अभी तक ऑफिस नहीं गए, पैसे चाहिए थे क्या आपको? अरे नहीं नहीं पैसे हैं मेरे पास, वो मैं सोच रहा था एक ही साथ निकलते हैं ना। मैं तुम्हारे ऑफिस के साइड ही जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप करके आगे निकल जाऊंगा। चलो ज्योति बोल। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, बोर हो रहा हूँ। तू आ जाती तो चल लेते कहीं पर घूमने, पर अकेले कहीं जाने का मन नहीं करता। तू बता तू क्या कर रही है? मैं अभी बोर हो रही हूँ यार, अकेली हूँ ना, घर पर कोई है नहीं, मन नहीं लग रहा था। अकेली हूँ मतलब? आंटी जी भी नहीं है घर पर? हाँ माँ भी बाहर गई हुई है, शाम तक आ जाएंगे। अरे तो पहले बताना था ना पागल। अच्छा मैं आता हूँ। ओके आ जाओ।
अभी। ये क्या है? ये क्या हो रहा है तुम लोग का? भाभी आप जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, और जो मैं देख रही हूँ वो क्या है? ये सब झूठ है और नौबत यहाँ तक आ गई है कि तू अपने बॉयफ्रेंड को घर पे लेके आ रही है। आने दो माँ जी को। ज्योति इतना डरती क्यों अपने भाभी से? और मैं अगर घर में आ गया तो कौन सा पार्ट टूट पड़ा? मुंह बंद रख तू अपना और निकल यहाँ से, निकल। ऐसा है, तमीज से बात कीजिए। ज्योति नहीं हूँ मैं। तू मुझे सिखाएगा तमीज? तू जैसे से तो मेरी जूती भी ना बात करे। भाभी बहुत हो गया, आपको ये हक नहीं है कि आप मेरे दोस्त का इंसल्ट करे। तू सिखाएगी मुझे? हाँ हाँ, तुम निकलो यहाँ से। चल। ये क्या कर रही तुम? निकलो, मैं निकलो, निकलो। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, बहुत पछताओगे तुम। कि किसी और को देना, समझा? बहुत देखे तेरी जैसे सड़क छाप। और हाँ, ज्योति के अगर आस पास भी दिखा ना तो इतना बुरा हाल करूंगी सोच भी नहीं सकता। अब चल निकल यहाँ से। और तू आइंदा से इस लड़के के साथ दिखनी नहीं चाहिए। अभी आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। और जो तू नाक कटा रही है खानदान की, तुझे शर्म नहीं आती? वो क्या रहा है यहाँ? और ये लड़का कौन था? खुद अपनी लड़की से पूछ लो, क्या गुल खिला रही है ये? भाभी झूठ बोल रही है, ये मुझे फालतू में बदनाम कर रही है। वो तो मुझसे बस मिलने आया था और भाभी ने फालतू का बखेड़ा खड़ा कर दिया। जी नेहा, क्यों पीछे पड़ी है? तू चाहती क्या हो? वाह, अपनी लड़की की गलती नहीं दिखती? मैं बता रही हूँ माँ जी, इसकी पढ़ाई वढ़ाई बहुत हो गई, अब एक अच्छा सा लड़का देख के इसके हाथ पीले कर दो, नहीं तो भाग जाएगी किसी लड़के के साथ मुकाला करके। इससे इसकी जवानी संभली नहीं जा रही है, तभी तो घर बुलाती है लड़कों को। पता नहीं बाहर क्या गुल छर्रे उड़ाती होगी। बस माँ, अब बहुत हुआ, मैं अब और नहीं सुन सकती हूँ, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। ज्योति, ज्योति, अरे तो बहू नहीं, डायन है, डायन। जब तक कोई मरेगा नहीं तुझे चैन नहीं मिलेगा। हाथ धो के पीछे पड़ गई है, पता नहीं कौन सी घड़ी में ब्याह करके लाए थे। जब से घर में कदम रखा है तब से सब बर्बाद ही हुआ है। पहले मेरे पति को खा गई, अजय का व्यापार डूब गया और अब हम माँ बेटी के पीछे पड़ी है। मेरी तो मति मारी गई थी जो उस दिन अजय को कहकर तुझे रोक लिया। अच्छा होता है उसी दिन चली जाती, कम से कम कलेश तो खत्म होता घर से। ज्योति, ज्योति, मम्मी, 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 उठ जाओ ना मम्मी, मम्मी, मम्मी उठ जाओ ना, प्लीज। जैन सर, सर आरोपी का केस लगता है, लाश के गहने और मोबाइल से पैसे भी गायब है सर। आसपास पूछताछ के? सर, विक्टिम का नाम नेहा था, बीएसए ऑफिस में क्लर्क थी, घर में कमाने वाली इकलौती थी, फिर भी घर वाले खुश नहीं थे, आए दिन झगड़ा हुआ करता था। देखकर तो रॉबरी का ही केस लग रहा है, पर बात सिर्फ रॉबरी की नहीं है, एक मर्डर हुआ है। हो सकता है इसके पीछे सोची समझी साजिश हो कि कोई नेहा का मर्डर करने के लिए आया हो और मर्डर करने के बाद में चोरी का रूप दे गया हो जिससे कि पुलिस को गुमराह कर सके। Thank you.
गहने अगर चोरी हुए हैं तो चोर उन्हें बेचने की पूरी कोशिश करेगा। एक काम करो, शहर में जितने भी ज्वेलर्स हैं सबको इन्फॉर्म करो कि कोई भी गहने बेचने के लिए तुरंत हमें इन्फॉर्म करे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। और उसके बाद ज्योति गुस्से में घर से बाहर चली गई, मैं उसके पीछे पीछे गई। ज्योति बहुत गुस्से में थी, अपनी जान देने की बात बोल रही थी। मैंने उसे बहुत समझाया और जब वो शांत हो गई तो मैं उसे घर ले आई। और जब घर आई तो देखा कि नेहा मरी पड़ी थी और बिट्टू बाहर बैठा रो रहा था। और आप लोग कितनी देर बाद लौटे? लगभग एक घंटे के बाद। अच्छा, आप लोगों का नेहा के साथ में कुछ ठीक नहीं चल रहा था ना? झगड़े भी होते थे, नहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने ये सब किया? देखो, अगर आप में से किसी ने ये सब किया है तो अभी बता दो, वरना बाद में बहुत तकलीफ होगी। तो लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते हैं? अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी की जान ले ली जाए। और वैसे भी मैं भाभी से नाराज जरूर थी, लेकिन हमने कुछ नहीं किया है। और हम क्या करेंगे? आखिरकार उसकी कमाई से ही घर चलता था, हम क्यों मारेंगे उसे भला? अच्छा, ये सब जब हुआ तब तुम कहाँ थे? नौकरी ढूंढने गया था, जॉब इंटरव्यू था। कहाँ था इंटरव्यू? जेके टेक्सटाइल्स। तुमने अपने बॉयफ्रेंड का क्या नाम बताया? जी, तुषार। तुषार, धमकी दी थी ना उसने नेहा को? एड्रेस दो उसका। सर, वो ऐसा लड़का नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अरे देखकर तो आप लोग भी ऐसे नहीं लगते। जो औरत आप सभी लोगों की जिम्मेदारियां उठा रही थी उसके साथ में दुश्मनों जैसा व्यवहार करो। एड्रेस दो उसका। अरविंद, ब्लॉक नंबर 44। अरविंद, नेहा के ऑफिस में पूछताछ करो और इस फैमिली के हर मेंबर का बैकग्राउंड चेक करो। जी सर। धमकी दी थी तूने नेहा को? हाँ, धमकी नहीं दी थी सर, बस गुस्से में बोल दिया था यूं ही। उसके बाद तो मैं अपने घर चला गया था सीधे, और अभी तक वहीं पर था सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर। तेरा और ज्योति का अफेयर कब से चल रहा है? जी, 2 साल से। और इन 2 सालों में पहली बार उसके घर गया था सर। पड़ोसियों की अगर माने तो ज्योति और नेहा की बनती नहीं थी। ज्योति ने बताया था इस बारे में कुछ तुझे? हाँ सर, वो बोल रही थी कि उसकी भाभी बहुत परेशान करती है उसको, और पिछले कुछ दिनों से तो बहुत कुछ ज्यादा ही परेशान करती है। वो कह रही थी कि कुछ हिटलर जैसा बिहेव करती है उसके साथ में नेहा। तो कहीं तेरी गर्लफ्रेंड ज्योति ने तो नहीं किया ये सब? नहीं नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकती, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है सर। और तू तो कर सकता है, तुझमें तो बहुत हिम्मत है। सर मैं बता रहा हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मैं तो तब से अपने घर पर ही था। नजर सर, वो तुषार सही बोल रहा है, वो घर पर ही था। नेहा के ऑफिस से कुछ पता चला? जी सर, उसके ऑफिस में कोई सुमित नाम का लड़का है जो नेहा के काफी करीबी था, यानी अच्छा दोस्त था, पर कुछ दिनों से नेहा उससे बात नहीं कर रही। उसके घर का एड्रेस लिया? जी सर। रात भर शराब ही पीते रहोगे या खाना भी खाओगे? जो भूख लगेगी ना खा लूंगा, ठीक है? जा। मेरे पास तुम्हारी दारू के लिए पैसे नहीं है। बकवास मत करो, चुपचाप मुझे 5 रुपए तो। नहीं है मेरे पास, पैसे चाहिए। छोड़ो तुम, अगर इतना ही रॉब झाड़ना है तुम्हें तो पहले जाओ पैसे कमाओ, फिर रॉब झाड़ना मुझ पर। बहुत मजा आ रहा है ना इसके साथ आशिकी करने में। आशिकी का भूत सवार है तुझे? बहुत लांछन लगा लिया तुमने मुझ पर, बहुत तो सुन लिया मैंने। अगर तुम लोग को इतनी ही प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं रहूंगी मैं इस घर में, चली जाती हूँ मैं। सुना है नेहा के साथ में तेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोस्ती थी या कुछ और? सर सिर्फ दोस्ती थी और कुछ नहीं, ना ही मैंने कभी गलत सोचा नेहा के बारे में। वो एक बहुत सुलझी हुई और समझदार औरत थी। जब इतनी सुलझी हुई और समझदार थी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने तुझसे बात करना बंद कर दिया? सर कभी कभार जब नेहा को ऑटो नहीं मिलता था तो मैं उसे उसके घर ड्रॉप करता था अपनी बाइक से। उसके घर वालों को इसी बात से प्रॉब्लम थी, इसी बात को लेकर अजय ने एक बार बखेड़ा खड़ा कर दिया था।
मुझे भी बहुत उल्टा सीधा बोला था, लेकिन मैं वहाँ से चला आया। बस उस दिन के बाद से नेहा ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। जिस दिन नेहा का मर्डर हुआ था उस दिन तू कहाँ था? सर मेरी ऑफिस की छुट्टी जल्दी हो गई थी तो अपने गाँव चला गया था, और आज सुबह ही लौटा हूँ। अगर आप चाहें तो गाँव में पूछ सकते हैं। वो तो हम पूछ ही लेंगे, लेकिन जब तक इंक्वायरी चल रही है ना, तो शहर से बाहर मिल जाना। हेलो, हाँ क्या? ठीक है माते सर, एक ज्वेलर का फोन था, नेहा की ज्वेलरी मिल गई। साहब आप क्या हुआ, कुछ पता चला चोर का? हाँ पता चल गया, और उसी को ही अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मारा नेहा को? मैंने नेहा को नहीं मारा। मैं नेहा को क्यों मारूंगा? ये ज्वेलरी जिस ज्वेलर को तू बेच कर आया था ना, उसी ने लीड दिया हमें। अब यहां सच बताया गया, थाने ले जाकर अच्छे से खातिरदारी करें तेरी। बहुत बड़ी गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, ये सब मुझसे की वजह से हुआ। शराब के नशे ने बर्बाद कर दिया मुझे। दरअसल कुछ दिनों से मैं नौकरी ढूंढने बाहर जा रहा था। जहां जाके इंटरव्यू देता मुझे हर जगह से रिजेक्शन ही मिल रहा था। एक्सपीरियंस नहीं है ना मेरे पास, हमेशा से बिजनेस ही करता रहा। मुझसे कम उम्र के लड़कों को बहुत आसानी से जॉब मिल रहा था, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन ऐसा कुछ दिन था, मैं बहुत परेशान था। मैं आया, मैं यहाँ पे यहाँ वहाँ पैसे ढूंढने की कोशिश की, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। तो ये बेडरूम में नेहा बैठी हुई थी, तो मैं गया उसके पास। आज भी नौकरी नहीं मिली। नेहा वो 500 रुपए दो ना। नेहा मैं कुछ बोल रहा हूँ, 500 रुपए दो ना, मैं खुद ही ले लूंगा। नहीं दूंगी मैं एक भी पैसा तुम्हें। अरे ऐसे क्यों कर रही हो नेहा, 500 रुपए तो मांग रहा हूँ। ठीक है 500 नहीं, 200 दे दो। देखो मैं जाऊंगा, आज बहुत तलब बची हुई है, आज ही पीऊंगा। कल मैं बिजी हो जाऊंगा ना काम पे, मैं फिर वहां भूल जाऊंगा, मैं पीऊंगा नहीं। मैं ले लेता हूँ। यहाँ से मत करो, यहाँ से मत करो ना नेहा, प्लीज। नहीं सुधरने वाले हो ना तुम, कैसे आदमी हो तुम। लानत है तुम जैसे आदमी पर जो आज भी अपनी बीवी की कमाई पर जीते हैं। मैं शर्म नहीं आती, पता नहीं क्या सोच के मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की। इससे अच्छा होता कि मैं किसी बेकार से शादी कर लेती। एक नंबर के हाँ। शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे ऊपर हाथ उठाते हो? हाँ, गुलाम नहीं हूँ मैं तुम्हारी, जो तुम्हारे जुल्म सहती रहूं। आइंदा से मुझ पर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत। मेरी ही खाते हो और मुझे ही आप दिखा रहे हो। अगर तुम लोग में जरा सी भी शर्म है ना, तो डूब मरो तुम सब चुल्लू भर पानी में।
नेहा नेहा उठो ना प्लीज, नेहा 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 पैसा नहीं मांग रहा हूँ मैं, नेहा नेहा मैं भूत रहा हूँ मैं, शराब छोड़ रहा हूँ, नेहा 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 मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, मेरे गुस्से मुझे मेरे गुस्से में काबू रख। कैसा पति है तू जिसने 200 रुपए के लिए अपनी बीवी की जान ले ली, अब जिंदगी भर जेल में बैठकर मिटाना अपनी तलब को। ले चलो इसे।